हेलो, माई सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम बात करेंगे आरएनए वर्ल्ड के बारे में। आरएनए के बारे में आज हम शुरू स्टार्ट करेंगे। आरएनए क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं, इट इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमने बात की थी कि आरएनए कुछ वायरस होते हैं जिनमें कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, और आरएनए एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। लेकिन इस अर्थ के ऊपर सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल था वो कौन था? आरएनए था। यही बात हमको याद रखनी है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? आरएनए। आरएनए सबसे पहले बना, फिर आरएनए से डीएनए बना। बात आपको समझनी है कि डीएनए जो बना वो किससे बना? आरएनए से। आरएनए के अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ, आरएनए के अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन होने से ही डीएनए बन गया। जैसे हम जानते हैं आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ कुछ केमिकल चेंजेस आए, ठीक है, यूरेसिल की जगह पर थायमिन आया और डबल एक हेलिक्स और बन गई। इस तरीके से केमिकल मॉडिफिकेशन होने से आरएनए से डीएनए बना। आरएनए का बहुत सारा काम है, जो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क तो करता ही करता है, साथ में कैटालिस्ट की तरह काम भी करता है, बहुत सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। जैसा हमने बताया कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल पहला था इस अर्थ के ऊपर, इसके लिए बहुत सारे एविडेंस हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी, अभी बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले दिनों में, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस होगी, स्प्लाइसिंग हो गया, ये सारे एविडेंसेस हैं कि आरएनए क्या है, पहला जेनेटिक मटेरियल है। और आरएनए बहुत सारे जो सेल्स के अंदर मैकेनिज्म होती है उसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है रिप्लिकेशन। हम रिप्लिकेशन के बारे में आज पढ़ना शुरू करेंगे। रिप्लिकेशन कहते हैं कि पेरेंटल जो डीएनए है, पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए का बनना। सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने बताया था कि एक डीएनए अपने दो बच्चे, दो डॉटर डीएनए को बनाता है, मीन्स डिवाइड होकर डीएनए, एक डीएनए जो है ये डिवाइड होकर दो पेरेंटल डीएनए बनाता है, सॉरी दो डॉटर डीएनए बनाता है। इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने इसे प्रपोज किया था, बताया था। और इसी के साथ साथ एक चीज और बताई कि जब पेरेंटल डीएनए अपने डॉटर डीएनए को बनाता है, उस समय क्या होता है कि नया बनने वाला डीएनए, नए बने जो नया डीएनए बना है पेरेंट से, उसमें एक स्ट्रैंड जो होता है वो पेरेंटल वाला ही होता है, जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो न्यू सिंथेसाइज होता है। इस बात को आपको समझना है, ये पेरेंट वाला पेरेंटल स्ट्रैंड रह जाएगा, दूसरा वाला क्या है, न्यूली सिंथेसाइज हो जाएगा। इस प्रोसेस को उन्होंने बताया, जब ऑब्जर्व किया उन्होंने इस प्रोसेस को बताया सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। इस बात को समझना आपको, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन मींस पेरेंटल डीएनए ने जब दो डॉटर डीएनए बनाया, डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं, पेरेंटल डीएनए ने जब दो डॉटर डीएनए बनाता है उसमें से एक स्ट्रैंड पेरेंट वाला रहता है, दूसरा न्यू सिंथेसाइज्ड होता है। ये किस तरीके से प्रोसेस होती है, इसकी मशीनरी की भी हम आपको वीडियो बना के भेजेंगे, ठीक है। फिलहाल आज हमें जो समझना, आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर किस तरीके से डीएनए के दो हेलिक्स, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, दोनों हेलिक्स खुल जाती हैं, पहले आप देख पा रहे हैं खुल जाती हैं दोनों, और यहाँ पर नया स्ट्रैंड आकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन बेस जुड़ते जाते हैं। इस तरीके से देखो, एक ये डॉटर डीएनए बन गया, एक ये बन गया ना, एक में देखो दोनों में एक पेरेंटल स्ट्रैंड आ गया और एक नया नया, जो नया स्ट्रैंड मैंने रेड कलर से दिखा रखा है,
नया स्ट्रैंड यहाँ पर देखो रेड कलर से जो दिखाया जाए नया स्ट्रैंड यहाँ पे अटैच होकर जो कि डॉटर डीएनए को बनाता है। इस प्रोसेस को या इस मॉडल को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए मॉडल, जो कि वाटसन एंड क्रिक ने बताया था, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया, मिशेलसन एंड स्टेहाल ने किया था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि वाकई में जब डीएनए रिप्लिकेशन करता है तो डीएनए रिप्लिकेशन के टाइम जो नया डीएनए बनता है उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट का होता है, एक नया सिंथेसाइज्ड होता है। डीएनए रिप्लिकेशन की प्रोसेस हम आपको बता दें कि जब सेल डिवीजन होता है, इस बात को आपको समझना है, जब सेल साइकिल आपने पढ़ी होगी, सेल साइकिल में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से सेल डिवीजन होता है, उसमें ना सेल की एक साइकिल चलती है, उस टाइम ही रिप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, डीएनए डिवाइड करता है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डीएनए किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, तो मीन्स सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए जो है इसको हम जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, हमने आपको बेसिक बताया है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन, सबसे पहले जो मॉडल को बताया था वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है ना, वाटसन क्रिक ने बताया था कि इस तरीके से पेरेंटल डीएनए डॉटर डीएनए का निर्माण करता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।